आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का करेंगे दौरा। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा के बाद कश्मीर में हाई अलर्ट पर सेना। कुपवाड़ा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। योगी सरकार आज पेश करेगी अब तक का सबसे बड़ा बजट, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर होगा फोकस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्वालिफायर 2 में पहुंची एलिमिनेटर में, लखनऊ को 14 रन से हराया। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को चौथे दिन बजट पेश किया जाएगा। यूपी में 18वीं विधानसभा का ये पहला बजट सत्र है, वहीं लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद योगी 2.0 का भी ये पहला बजट होगा। बताया जा रहा है कि यूपी का बजट इस बार करीब 6,10,000 करोड़ का हो सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में विशेष रूप से किसानों, महिला और युवाओं पर फोकस रहेगा, साथ ही चुनावी वादों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इस पर वाराणसी जिला अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। इस मामले में जिला जज एके विश्वेश की कोर्ट सुनवाई करेगी। सोमवार को हुई सुनवाई में वाराणसी जिला कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया है। यानी मुस्लिम पक्ष की जो मांग थी कि ये मामला कोर्ट में चलने लायक नहीं है, उस पर कोर्ट सुनवाई कर फैसला लेगा। मिलावटी देसी शराब बेचने को कोर्ट ने 5 साल कैद और 7,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 8 साल पुराने मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। आबकारी निरीक्षक ने छापा मारकर परचून की दुकान से मिलावटी शराब बरामद की थी, जिसका मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि पूरा मामला 8 मार्च 2014 को तत्कालीन आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता ने सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कपूरापुर में एक परचून की दुकान पर छापा मारा था, जहां दुकान में मिलावटी नकली देसी शराब की पैकिंग की जा रही थी। शराब देसी ब्रांडिंग कर बेची जा रही थी, उसको थाना सदर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था टिल्लू कटियार को, और इसके खिलाफ आरोप न्यायालय में 28-10-14 को पुलिस द्वारा प्रेषित किया गया था। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी न्यायालय में। इस मामले की आज सुनवाई पूर्ण हुई है। सुनवाई के पश्चात सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए गहन मंथन के बाद माननीय न्यायालय ने आज इसमें अभियुक्त टिल्लू कटियार को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही इस पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। और इस खबर पर हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता राम ऋषि पांडे जुड़ चुके हैं। राम ऋषि, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले की। देखिए, आरोपी को जो है 7,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जो है जेल काटनी पड़ेगी। ये जो है जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम अपर जिला जज ने सजा सुनाई है। 4 गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर ये सुनवाई हुई है। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे जुड़े थे कन्नौज से। खबर गाजीपुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। वहीं इस क्रम में स्थानीय प्रशासन ने मोहम्मदाबाद कस्बे में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जारी अभियान के तहत सड़कों, पटरियों और रास्तों पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।
तो गाजीपुर से खबर सामने आ रही है जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है जहां कहीं भी अवैध अतिक्रमण देखने को मिल रहा है वहां पे ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जा रहा है। वो चाहे घरों के बाहर हो या फिर सड़कों पे, बाजारों में, सभी जगह अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, शहर और जनपद की सड़कें साफ सुथरी रहें, किसी को आवागमन में असुविधा न हो और व्यापार और व्यवसाय भी सुगमतापूर्वक चलता रहे, आम जनमानस सुखद अनुभव कर सके, इसके लिए लोगों से अपील की जा रही है। व्यापार मंडल संगठनों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और उन्हें विश्वास में लेकर एक सहमति बनाई जा रही है कि सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण है या सड़कों के किनारे की जो नालियाँ और नाले हैं जो ढक दिए गए हैं, जिनसे बरसात में वाटर लॉगिंग भी होती है, उन्हें सब साफ सुथरा किया जाए। खबर अलीगढ़ से है जहां चेयरमैन और उनके गुर्गों की दबंगई सामने आई है। वहीं चेयरमैन और उनके गुर्गों ने व्यापारी के साथ मारपीट की है। बता दें कि अतिक्रमण को लेकर व्यापारी और चेयरमैन में नोकझोंक हुई थी। साथ ही व्यापारी ने अतिक्रमण न हटाए जाने को लेकर 1000 की रिश्वत का आरोप भी लगाया है। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें, थाना खैर क्षेत्र अंतर्गत खैर कस्बे का यह मामला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से मारपीट करते हुए कहा सुनी पर मारपीट हो गई है। जरा सी नोकझोंक के बाद मारपीट देखने को मिल रही है। चेयरमैन की दबंगई साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है जहां चेयरमैन की दबंगई देखने को मिली है। व्यापारी के साथ मारपीट करी है, अतिक्रमण को लेके विवाद हुआ और नोकझोंक मारपीट में बदल गई। चेयरमैन और उनके गुर्गों द्वारा व्यापारी को मारा गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, चेयरमैन की दबंगई देखने को मिली, जिस तरह से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला खैर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे चेयरमैन, उस वक्त की बात है जब महावली द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उस वक्त की बात है। तो व्यापारी से, क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, व्यापारी से उसको अतिक्रमण हटाने के पीछे उनको चल रही थी और उसके द्वारा, व्यापारी द्वारा ये भी बताया गया कि 5000 रुपए की घूस भी मांगी गई है कि इसको अतिक्रमण को उसकी तरफ से अतिक्रमण को उसकी तरफ से हटाया नहीं जाएगा, 5000 रुपए इसलिए मांगे गए हैं। इस बात पर बहस हो गई और आप देख सकते हो चेयरमैन द्वारा, उस चेयरमैन के गुंडों द्वारा, चेयरमैन के जो लोग हैं उनके द्वारा, आप देख सकते हो लगातार उनका हाथापाई वीडियो के माध्यम से। जी, जिस तरह से ये हाथापाई हुई और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई है, तो क्या इसकी शिकायत पुलिस में दी गई है? पुलिस द्वारा क्या एक्शन लिया गया है? लगातार ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने के कारण पुलिस में शिकायत की गई है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसका संज्ञान में लिया गया है पुलिस द्वारा और लगातार व्यापारी भी आक्रोश में है चेयरमैन का ये तरीका ठीक नहीं था ये बोलकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे अलीगढ़ से। बुलंदशहर के पहासो स्थित मंदिर में एक दलित बच्चे के साथ पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब इस मामले में भीम आर्मी के कार्यकर्ता शिकारपुर अध्यक्ष उधम सिंह के साथ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। आगे उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने आरोपियों को बच्चों के लिए सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और अगर पुलिस ने जल्द इस मामले में कार्यवाही नहीं की तो भीम आर्मी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। 21 तारीख शनिवार की घटना है। एक दलित बच्चा मंदिर में चला गया, मंदिर में जाने के बाद उसे बड़ी बदरहमी के साथ पीटा गया, उठा उठा कर पीटा गया, मारा गया, उसके बहुत सारी चोटें आई हैं, मुंह में दांत भी टूटा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक छोटा मोटा केस बनाकर उसको दबा दिया और घर वालों को, जो कुछ राजनेता हैं, घर वालों पर दबाव बना रहे हैं कि आप फैसला कर लीजिए और इसको फैसला करने के बाद इसको दबा दिया जाएगा केस को। तो हम चाहते हैं कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए भीम आर्मी 24 घंटे तैयार है, बस आप एक बार कॉल करिए, भीम आर्मी आपके साथ आधी रात खड़ी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विशाल कुमार जुड़ चुके हैं। विशाल, बच्चे को पीटने का मामला सामने आया है और इसमें भीम आर्मी ने भी अपनी सक्रियता दिखाई है, पूरी जानकारी चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, जब बुलंदशहर के पास उसके एक मंदिर था, जो दलित बच्चे को पुजारी ने उसको थाली में से पैसे उठाने के दौरान था उसको उठा के पीटा था,
तो उसने संज्ञान में लिया था एसपी साहब ने और उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है जी। तो अब क्या कुछ मांग कर रही है भीम आर्मी? भीम के लोग मांग ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो लोगों की जो आरोपी है जी। बच्चे और उसके परिजनों द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है विशाल? परिजनों का ये कहना है कि जब पुलिस को हमने तहरीर भी दे दी, तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर दलित समाज के लोगों ने एकत्रित होकर कलेक्टर ऑफिस के आगे धरना भी दिया है जी। बच्चे की उम्र क्या है विशाल? बच्चे की उम्र नाबालिग बताई जा रही है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता बुलंदशहर से विशाल जुड़े थे। मैनपुरी के ओछा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर में दलित युवक के भंडारे का खाना परोसने पर लोग भड़क गए। युवक के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया, उसे खाने नहीं दिया और मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने संबंधित थाने पर रिपोर्ट दी, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर उसने पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। ये था हमारा सामाजिक कार्य हो रहा था, भागवत हो रही थी। हाँ, अब मैं बुलाया गया तो भाई सभी लोग खाना वाना परस रहे थे, तो हमें भी बुलाया गया। बोला व्यवस्था खराब ना हो जाए इसलिए खाना वाना परस, तो हमको परसने लगे। हमारे सब यार दोस्त समाज के लोग परस रहे थे, हम भी गए। हमारे कुछ लोग थे, मैं परस रहा था, तो उन्होंने मुझसे बाल्टी वगैरह छीन ली। उन्होंने कहा तू चमार है, तू नहीं परसेगा। तो मुझे बाद में निकल गया वहाँ से, निकलने के बाद मुझे आपको पीटा और पीटने के बाद वहाँ से भगा दिया। खबर संभल से है जहां अपनी शिकायतों को लेकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन करने के बाद उपजिलाधिकारी रामकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा है। और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी द्वारा टीम बनाकर राशन विक्रेता की जांच के आदेश दिए गए थे और संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी को राशन विक्रेता के खिलाफ शिकायत पत्र देकर राशन विक्रेता की शिकायत की गई थी, जिसमें 80% कार्ड धारकों से पूछताछ कर बयान लेने को कहा गया था। 5 दिन में पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि प्रकरण में राशन विक्रेता के खिलाफ कई बार जांच हो चुकी है और जिसमें लगाए गए आरोप भी सही पाए गए हैं। गद्दारी कर रहा है, काट के गल्ला देता है और गाली देता है और कुछ लोड अंगूठा लगा लेता है, वो कट्टा लोड लेता है, गल्ला नहीं देता है। बहुत परेशान है, 4-5 महीना हो गए साहब हमें। शिकायतें हर जगह दही है, मन तो ऑनलाइन भी करिए और वैसे भी दही है, दही है तहसील पे, वैसे भी तो दे आए साहब हम। अरे वो गल्लो खल्ले कोई चक्कर हुआ है, वो 5 किलो कम काट कम से भज रहे हो? हम तो 2 महीना से भज रहे हैं। 6 महीना है। अधिकारी क्या कह रहे हैं इसमें? अधिकारी नो कह देता है क्या भजाइयो जी। हम शिकायतें देते देते यह जगह परेशान हो गई, 6 महीना से ज़्यादा हो गई हमें भजते भजते, और पूरा गांव एक तरफी है कहते हैं, और डीलर और प्रधान दबंगगिरी से सारे गांव में लठपिनता है और रोज रिपोर्टें कराता है इसी बात के पीछे। मामले में 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं बराबर, हम SDM पे कर दी, DM पे कर दी भाई, समझ में, या तहसील पे कोई सुनने वाला नहीं हमारी। SDM को 10 बार दे चुके हैं हम कंप्लेन पर, SDM ले नहीं रहा है बिल्कुल, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल। समाधान दिवस में कितनी शिकायत दे चुके हैं? हम तो दे ही रहे हैं सर, हमने बहुत शिकायत दे चुके हैं सर। यहाँ शिकायत करनी 3री बार है, यहाँ आते हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, कब से गांव परेशान है, कब से तहसील के चक्कर काट रहा है? नवंबर से परेशान है, कोठा लगवा लेते गल्ला नहीं देते, ठहरी भी नहीं देते। प्रधान से किसी से शिकायत करी है तहसील प्रशासन में, कोई उच्च अधिकारी से? सब ये मिले हुए हैं आपस में, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। खबर हरदोई से है जहां चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन पाताल के संजीला पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक को एक तमंचा और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ऑपरेशन पाताल अभियान के तहत संजीला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को मैद तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, जिसका नाम साहबुद्दीन है, जो आटा मोकर रहने वाला है। उससे पूछताछ कर उसने बताया कि जामू के जंगल से मैं तमंचा लेके आ रहा हूँ। पुलिस ने वहाँ पर जब छापा मारा तो वहाँ एक व्यक्ति रामशंकर
निवासी लोहराई, वहां पर उसको गिरफ्तार किया और उसके पास से दो बने हुए तमंचे तथा चार अर्धनिर्मित तमंचे तथा भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस पर उचित दरों में अभियोग पंजीकृत करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी की जमीन पर जादौन इंफ्राटेक बिल्डर ने बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर दिया। वहीं इस मामले में अब बिल्डर सहित 11 लोगों के खिलाफ राजस्व लेखपाल की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा, ये जो FIR में लेखपाल ने लिखवाया है अपनी रिपोर्ट के आधार पे, जांच आख्या के आधार पे, उसमें जो नंबर है जमीन का 520 नंबर है, उसका टोटल रकबा 897 एयर का है, जिसमें से 576 एयर अभी भी जिलाधीश के नाम से दर्ज है। तो इस ज़मीन पर ये निर्माण होता हुआ पाया गया इनकी जांच आख्या के अनुसार, और उसी पे FIR कराई गई है। हमने एक ज़मीन यहाँ खरीदी हुई है मैरिज रोड पे, एम हैदर से। इसमें कम से कम 20-25 साल गवर्नमेंट की कैंटीन रही है, सरकारी कैंटीन रही है, गवर्नमेंट ने उसका किराया पे करा है, और वो बैनामा जो हमारे ना उसके नाम जिससे हमने खरीदी थी उनके नाम बैनामा, गवर्नमेंट ने बैनामा किया हुआ है और गवर्नमेंट ने उसका रेंट दिया है। उसके बाद आज की डेट में 4 साल से हम यहाँ लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद अधिकारी लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें ये ज़मीन आपकी फर्जी है, आप सरकारी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जबकि हमें सभी डिपार्टमेंटों से इसकी NOC ली हुई है, सीलिंग से, नगर निगम से, ADS ने हमारा नक्शा पास है, सभी जगह से हमें वो हुई है। जिलाधिकारी कहाँ से इसमें मालिक बन गए ये आप बताओ, लेकिन कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार ही नहीं है कि ये मालिक DM कहां से हो गए इसमें। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।